तो हाय गैस, वेलकम बैक टू माई चैनल डीजे रिकॉर्डिंग। तो गैस, कल ही मैं कमेंट बॉक्स को देख रहा था और एक भाई ने मुझे कमेंट में बोला था कि भाई बर्थडे कंसर्ट के ऊपर जल्दी वीडियो लेकर आ जाओ क्योंकि मेरी बर्थडे जल्दी आने वाला है। तो इसलिए मैं आपके लिए बर्थडे कंसर्ट की फोल्डिंग लेकर आ चुकी हूँ। सो गैस, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपके मन में जो भी कंसर्ट याद आ रहा है, मतलब आपको जो भी कंसर्ट की एडिटिंग ट्यूटोरियल चाहिए, मुझे कमेंट में बता सकते हो, मैं उसका ट्यूटोरियल देने की कोशिश करूंगा। पहले बता दिया करो कमेंट में। सो गैस, आज का कंसर्ट भी देख सकते हो कितना ज्यादा ऑसम ले रहा है। तो आपको वीडियो को लास्ट तक वॉच करें एंड गैस हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके साइड के बेल आइकन प्रेस करना ना भूले। तो चले गए बिना देखे वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको पिक्सेल आपको ओपन करना है। तो यहाँ पर मैं ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद अभी आपको क्या करना है, क्या और कैसे करना है, मैं आपको सभी आपको आगे बताने वाला हूँ। सो गाइस, आपको वीडियो को लास्ट तक वॉच करें। तो अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर प्लस आइकन पर क्लिक करके एडिट फोटो पर क्लिक करना है। एंड गाइस, आपको एडिट फोटो पर क्लिक करके यहाँ पर एक बैकग्राउंड को लेना है। तो बैकग्राउंड ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर व्हाइट बैकग्राउंड को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर मैं व्हाइट बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर चुकी हूँ। सो गाइस, आपको क्रॉप करना पड़ेगा। तो यहाँ पर टूल्स पर क्लिक करके यहाँ पर क्या करना है, क्रॉप ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर पोर्ट्रेट ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो ये रहा पोर्ट्रेट का ऑप्शन, इंस्टाग्राम की पोर्ट्रेट साइज को ले जाना है। तो सिंपल पोर्ट्रेट साइज को सिलेक्ट करके यहाँ पर डन कर देना है। तो गाइस, अभी आपको बैकग्राउंड की क्वालिटी को इंप्रूव करना पड़ेगा। तो सिंपल आपको फिर से आपको टूल्स पर क्लिक करके यहाँ पर रिसाइज पर क्लिक करना है। तो ये रहा रिसाइज का ऑप्शन, आपको रिसाइज पर क्लिक करना है। एंड गाइस, रिसाइज की जो अमाउंट को सभी को अंडू करना है इस तरह से, और रखना है आपको 3, 8 और 7, 3 रखना है। उसके बाद डन करके आपको रिसाइज करना है। तो गाइस, बैकग्राउंड जो क्वालिटी इंप्रूव हो चुकी है, अभी गाइस आपको क्या करना है, एडिटिंग को स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर आपको ऐड फोटो पर चलना है। ऐड फोटो जाकर के अपनी पिक को यहाँ पर लाना है। तो ये रहा ऐड फोटो का ऑप्शन, आपको सिंपल ऐड फोटो पर क्लिक करके यहाँ पर अपनी पिक को यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट करता हूँ। सो गाइस, आपको इस तरह से सिलेक्ट करना है। एंड गाइस, आपको ऐड पर क्लिक करके यहाँ पर ओपन हो जाना है। तो गाइस, अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर बैकग्राउंड को इरेज करना पड़ेगा। तो सिंपल आपको कटआउट पर क्लिक करना है। तो ये रहा कटआउट का ऑप्शन, तो सिंपल आपको कटआउट पर क्लिक करके यहाँ पर बैकग्राउंड को इरेज करना है। तो कैसे इरेज करना है, यहाँ पर आपको बॉडी की जो आउटलाइन पर आपको इस तरह से ड्रॉ करके आपको छोड़ देना है। तो यहाँ पर मैं जल्दी से ड्रॉ कर देता हूँ। उसके बाद अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको राइट इधर आपको एरो का ऑप्शन मिलेगा। तो सिंपल आपको एरो पर क्लिक करना है। एरो पर क्लिक करने के बाद अपने आप कटआउट हो जाएगा और जो हिस्सा रह जाएगा आपको आप मैनुअली कटआउट कर लेना है। तो सिंपल आपको ड्रॉ करके यहाँ पर मैनुअली आपको ड्रॉ करके सिलेक्शन बना देना है। तो यहाँ पर मैं जल्दी से कर देता हूँ। सो गाइस, यहाँ पर मैं सिलेक्शन कर चुकी हूँ। सो गाइस, आपको यहाँ पर सेव पर क्लिक करना है, बैक जाना है। बैक जाना था, अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर नीचे इधर आपको राइट साइड आपको हल्का सा छोटा कर देना है मॉडल को, और गाइस आपको इस तरह से एडजस्ट कर लेना है। तो गाइस, एडजस्ट करने के बाद आपको मॉडल की एक डुप्लीकेट ले जाना है। डुप्लीकेट हमें क्या करना है, पीछे की तरफ आपको एडजस्ट करना है। तो सिंपल आपको लेयर पर क्लिक करना है। एंड गाइस, आपको लेयर पर क्लिक करके यहाँ पर डुप्लीकेट पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर डुप्लीकेट हो चुकी है। सो गाइस, ये डुप्लीकेट को हल्का सा बड़ा रखना है, नीचे वाली मॉडल से हल्का सा बड़ा रखना है। इस तरह से बड़ा रख करके आपको यहाँ पर लेफ्ट इधर आपको एडजस्ट करना है इस तरह से, और गाइस आपको मूव डाउन कर लेना है। तो ये रहा मूव डाउन का ऑप्शन, आपको मूव डाउन करना है, पीछे जा चुकी है। सो गाइस, ये मॉडल को आपको क्या करना है, यहाँ पर ब्लैक एंड व्हाइट बनाना है। तो सिंपल आपको यहाँ पर इफेक्ट्स पर जाना है। तो ये रहा इफेक्ट्स का ऑप्शन, तो ये रहा इफेक्ट्स का ऑप्शन, सिंपल आपको इफेक्ट्स पर क्लिक करके यहाँ पर लास्ट में आपको कलर का ऑप्शन मिलेगा। तो ये रहा कलर का ऑप्शन, सिंपल आपको कलर पर क्लिक करना है। एंड गाइस, आपको सैचुरेशन पर क्लिक करना है। तो सॉरी, ये रहा सैचुरेशन का ऑप्शन। तो सिंपल आपको सैचुरेशन ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर सैचुरेशन को 100 माइनस कर देना है। इस तरह से अमाउंट को 100 माइनस कर देना है। 100 माइनस हो चुके। सो गाइस, आपको यहाँ पर डन करके बैक चलना है। बैक जाने दो। अभी आपको क्या करना है, सिंपल आपको फिर से आपको आर्ट फोटो चलना है। तो ये रहा आर्ट फोटो का ऑप्शन, आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। प्लस आइकन पर क्लिक करना है, पहले आपको प्लस आइकन पर क्लिक करना है। एंड गाइस, आपको प्लस आइकन पर क्लिक करके आपको बीच का ऑप्शन आर्ट फोटो, तो सिंपल आपको आर्ट फोटो क्लिक करके यहाँ पर आपको एक रेड बैकग्राउंड को ले जाना है। तो ये रेड पीएनजी को ले जाना है। एंड गाइस, आपको इस तरह से बड़ा कर लेना है। तो सिंपल आपको इससे बड़ा करके आपको यहाँ पर हल्का सा डाउन रखना है। तो डाउन आपको इतना रखना है, इतना रख करके आपको यहाँ पर मोव डाउन करना है। तो सिंपल आपको मोव डाउन करके पीछे ले जाना है। तो बीच में रखना है ये जो रेड बैकग्राउंड को। सो गाइस, आपको यहाँ पर रेड पीएनजी को एडजस्ट करने के बाद अभी आपको क्या करना है, जो आगे की ये मॉडल की शैडो बनाना पड़ेगा। तो सिंपल आपको यहाँ पर शैडो ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो ये रहा शैडो का ऑप्शन, तो यहाँ पर आपको शैडो ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर शैडो क्रिएट करना है। तो यहाँ पर आपको शैडो को भी थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं ये ऑप्शन रखता हूँ 53 रखता हूँ। एंड गाइस, आपको जो ये ब्लर को आपको 100 रखना है। और यहाँ पर पोजीशन पर क्लिक करके यहाँ पर पोजीशन को भी आपको राइट तरफ को ले जाना है। तो यहाँ पर 131 रखना है। और गाइस, आपको यहाँ पर जो ये पोजीशन को आपको डाउन ही रखना है, हल्का सा डाउन रखना है। तो डाउन आपको रखना है 114 रखना है। एंड गाइस, आपको ये ऑप्शन को हल्का सा यहाँ पर आपको इसी साइड ले जाना है। तो 138 रखना है। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। सो गाइस, अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पर शैडो वगैरह भी क्रिएट हो चुकी है। सो गाइस, अभी आपको यहाँ पर डन करके बेच चलें। देख सकते हो गाइस, अभी भी हमारी जो एडिटिंग कितना ज़्यादा ऑसम लग रहा है।
तो यहाँ पर और भी पेज वगैरह एडजस्ट करना है, बहुत ही अच्छा लगेगा एडिटिंग। सो गाइस आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो गाइस अभी आपको क्या करना है, फिर से आपको आर्ट फोटो चलाना है, आर्ट फोटो जा करके हैप्पी बर्थडे पेज को लाना है। तो ये पेज को सिलेक्ट करना है एंड गाइस आपको ये सभी पेज आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, सिंपल से डाउनलोड करके यहाँ पर यूज कर सकते हो। सो गाइस आपको यहाँ पर राइट ड्रैग को इस तरह से एडजस्ट करना है, देख सकते हो गाइस बहुत ही अच्छा लग रहा है। सो गाइस आपको यहाँ पर डन करके बैक चलें। अभी गाइस फिर से आपको आर्ट फोटो जा करके यहाँ पर बैलून पेज को लाना है। तो यहाँ पर ये बैलून पेज को सिलेक्ट करना है एंड गाइस आपको इस तरह से फुल स्क्रीन कर देना है। तो सिंपल आपको फुल स्क्रीन करके आपको छोड़ देना है, अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। तो अभी आपको डन कर देना है, देख सकते हो बहुत ही अच्छा लग रहा है। सो वैसे आपको फिर से आपको आर्ट फोटो जा करके यहाँ पर एक पार्टिकल पेंज को लाना है। तो यहाँ पर आपको ये पार्टिकल पेंज को सिलेक्ट करना है एंड गैस आपको इस तरह से रोटेट करके यहाँ पर लेफ्ट आपको इस तरह से एडजस्ट करना है। तो इस तरह से एडजस्ट करके आपको डन कर देना है। सो वैसे देख सकते हो बहुत ही अच्छे से हमें जो पेंज वगैरह एडजस्ट हो चुकी है, देख सकते हो गैस यहाँ पर कितने ज़्यादा ऑसम लग रहा है हमारी एडिटिंग। तो वैसे आपको फिर से आपको यहाँ पर टूल्स पर जाना है, टूल्स पर जाकर यहाँ पर कलर थोड़ा एडजस्टमेंट कर देना है। तो सिंपल आपको यहाँ पर टूल्स पर क्लिक करना है एंड गाइस आपको टूल्स पर क्लिक करके यहाँ पर एडजस्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो ये रहा एडजस्ट का ऑप्शन, सिंपल आपको एडजस्ट पर क्लिक करके यहाँ पर आपको जो पहले ब्राइटनेस मिलता है ब्राइटनेस को छोड़ देना है एंड गाइस कॉन्ट्रास्ट को हल्का सा प्लस कर देना है। तो प्लस आपको 4.5 रखना है एंड गाइस क्लैरिटी को हल्का सा प्लस कर देना है। तो क्लैरिटी आपको रखना है 9 के आसपास एंड गाइस आपको सैचुरेशन हल्का सा यहाँ पर मैनेज करना है, ज़्यादा नहीं आपको यहाँ पर रखना है 3 के आसपास। तो यहाँ पर मैं 4 रखता हूँ, सॉरी 4 नहीं, यहाँ पर 3 ही रखता हूँ। तो यहाँ पर 2 रखता हूँ एंड गाइस आपको क्या करना है, यहाँ पर हुई को छोड़ देना है एंड गाइस आपको हाइलाइट्स को आपको माइनस ही रखना है। तो माइनस आपको रखना है 14 के आसपास एंड गाइस आपको शैडो पर क्लिक करना है एंड गाइस शैडो की जो अमाउंट को हल्का सा प्लस कर देना है। तो प्लस आपको 10 रखना है एंड गाइस जो टेम्परेचर मिलता है टेम्परेचर को आपको प्लस ही रखना है, प्लस आपको ऐड रखना है। तो वैसे आपको यहाँ पर डन करके बैक चलना है। तो वैसे यहाँ पर एडिटिंग को देख सकते हो कितना ज़्यादा ऑसम लग रहा है, यहाँ पर देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर बहुत ही ज़्यादा ऑसम लग रहा है। सो वैसे आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही न्यू फोटो एडिटिंग को मिस ना करें, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो चलेगा मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।